आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। फूल पौधे के गमले तैयार करना। हमारे आंगन में रंग बिरंगे फूलों का वृक्ष होने वाले गमले ही ऐसे सबको ही लगता है। गांव के घरों के आसपास भरपूर खुली जगह और अथवा आंगन होता है, परंतु शहर में आज फ्लैट की संस्कृति है। उच्च वर्गीय कॉलोनी बंगले के सामने छोटे बगीचे होते हैं। बंगले के मालिक वहां गमले, छोटे छोटे फूलों के पौधे गमलों में लगाकर बगीचा तैयार करते हैं, परंतु फ्लैट जैसी इमारतों से बगीचे तैयार करना संभव नहीं होता। इच्छा तो सबको होती है कम से कम गुलाब की एक दो गमले, एक तुलसी हो, इसलिए फ्लैट में रहने वाले लोग गमलों में पौधे लगाकर फ्लैट की गैलरी में टेरेस अथवा खिड़कियों की छपरी हुक लगाकर उसे गमले लटकाते हैं। आयुर्वेदिक का महत्व लोगों को समझाने से और आयुर्वेद का प्रचार होने से औषधि वनस्पति के रूप में लोग आयुर्वेदिक पेड़ पौधे के गमले अपने फ्लैट अथवा बंगले के बगीचे में रखते हैं। काला सफ़ेद सीमेंट, बारीक खड़ी और रगड़ी पाउडर, इनकी सहायता से सांचे में गमले तैयार किए जाते हैं। सीमेंट के गमले को आज अच्छी मार्ग है। थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और मार्केट में उपलब्ध होते हैं। देखिए उसका मार्केट तो कंपनी, कारखाने, ऑफिस, बैंकें, स्वराज संस्थाएं, नगर पालिका, इनके बगीचे में प्रमुखों को मिलकर उन्हें जो चाहिए उन नाप में डिजाइन गमले तैयार कर दे सकते हैं। नर्सरी व्यवसायी भी गमले बेचते हैं, उन्हें जो होलसेल कीमत में माल दे सकते हैं। छोटी सी हाथ घोड़ी माल रखकर कॉलोनी फ्लैट ओपनर यहाँ घूमकर गमलों की बिक्री करने आएगी। रास्ते के किनारे स्टॉल डिपो लगाया तो भी बिक्री होती है। प्रशिक्षण, सांचे बेचने वाले व्यवसायी प्राथमिक प्रशिक्षण देते हैं। भांडवल, कच्चे माल के लिए 50,000 रुपये भांडवल की इस व्यवसाय के लिए ज़रूरत है। रॉ मटेरियल्स तो काला सफ़ेद सीमेंट, खड़ी, पत्थरी पाउडर, लोहे का तार और पानी, यह सब कच्चा माल लगेगा। साहित्य सामग्री तो गमले तैयार करने के सांचे, रद्दी, पेपर, इमरी आदि। मनुष्य बल, एक कुशल मजदूर और दो अकुशल मजदूर की आवश्यकता है। जगह, 200 स्क्वायर फुट छत होने वाली और 300 स्क्वायर फुट खुली जगह होनी चाहिए। विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद।